तो आज के एपिसोड में बनाने वाले हैं हम लोग ये सॉल्ट एंड पेपर, जो कि है बन रहा है हमारा बेबी ऑक्टोपस का। तो ऑक्टोपस ले लिया मैंने, बॉईल कर दिया थोड़ा सा इसको ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और उसके बाद मैंने वाइट पेपर डाल दिया इस पर और ये डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद इसको मिला देंगे और डाल देंगे कॉर्नफ्लोर ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी फ्राई। मिलाने के बाद अब कर लेते हैं कढ़ाई में तेल गरम और डाल देते हैं गर्मा गर्म इसको अंदर तेल पे तलने के लिए। तो ये पूरा क्रिस्पी होके निकलेगा, पूरा क्रिस्पी होके निकालना है आपको। और एक साइड में सामने मैंने रख दिया वॉक एंड डाल दिया उस पर तेल। अब डाल रहा हूँ इस पर जिंजर गार्लिक जो कि चॉप किया हुआ है अच्छी तरीके से, एंड इसके साथ साथ थोड़ा ग्रीन चिल्ली और ऑनियन। तो इसको भी हम लोग थोड़ा एक दो मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरीके से। एंड ये कैप्सिकम जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए। उसके बाद ये पेपर है ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ, एंड ये थोड़ा सा MSG, ये थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा धनिया डालने के बाद अब इसको एक बार कर लेते हैं सोते। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन और ये हमारा फ्राई किया ऑक्टोपस। अब कर लेंगे वॉक पे इसको आराम से टोस्ट। तो टोस्ट करने के बाद हो चुका है रेडी खाने के लिए। तो इंजॉय कीजिए आप इसी तरीके के ऑक्टोपस सॉल्ट एंड पेपर का, नहीं तो आज ये कलिता स्पेक्ट्रम दान वहाँ पर मिल जाएगा आपको ये आराम से। तो थैंक यू एवरीवन, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ बनाते हैं नया, कुछ एकदम ईजी टू रेसिपी जो जल्दी बन जाए। तो हैव अ नाइस टाइम एवरीवन।